बच्चों, मैं सुनीता बेरवान नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 यानी कि क्लास 5 का पाठ 6, जिसका नाम है स्वस्थ तन और सुखी जीवन। यानी कि बच्चों, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारी जो मस्तिष्क है वो भी अच्छे से काम नहीं करेगा, हमारी दिमागी स्थिति भी सही नहीं रहेगी। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पाठ। शाम हो गई थी, दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर, मुड्डा यानी बच्चों कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, यानी सभी बच्चों को दादाजी बुला रहे थे। मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे, लेकिन जो बच्चे थे लेकिन वो दादाजी की बात नहीं सुन रहे थे, वो तो मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से। और वहां पर सुषमा गई और उन्होंने कहा कि क्या मिल जाएगा तुम्हें इन मोबाइल फोन पर गेम खेलने से। दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे, और अगर तुम दादाजी के साथ बैठोगे तो दादाजी तुम्हें जो है वो कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, और जिससे तुम कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखोगे या तुम्हारे अंदर अच्छी अच्छी आदतें आएंगी। तोशी, बिट्टू, हनी, तीनों चलो बाहर। और ये जो तोशी, बिट्टू, हनी है बच्चों के नाम है, तीन बच्चे हैं ये, बोलते हैं कि इनको सुषमा जी बोलती है कि चलो बाहर चलो तीनों। हाँ मम्मी, जो सुषमा है वो इन बच्चों की, तीनों बच्चों की मम्मी है। वो बच्चे बोलते हैं, हाँ मम्मी आप सही कह रही हो, कि आप सही कह रहे हो, दादाजी की हर बात पते की होती है। यानी कि दादाजी हैं जो बात बताते हैं वो हर बात पते की होती है, यानी कि उनकी बातों में कोई ना कोई ज्ञान या कोई अच्छी आदत छिपी हुई होती है। कल भी कहानियों में कितनी अच्छी बातें बताई थी, और बच्चों ने कहा कि हाँ माँ दादाजी की सारी बातें कितनी अच्छी होती है, कुछ अच्छी अच्छी हमें आदतें सिखाते हैं वो। और कल भी उन्होंने हमें कहानियों में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी और समझाई थी। तोशी ने कहा, और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। और तोशी ने कहा, मतलब ये बातें तोशी ने कही कि कल भी दादाजी ने हमें कहानियां सुनाई थी और अच्छी अच्छी बातें बताई थी। और उसके बाद वो तीनों जो बच्चे थे, हनी, तोशी और बिट्टू, वो दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। और जैसे ही वो तीनों बच्चे दादाजी के आसपास, मतलब उनके पास में आकर बैठे, तो जो किराएदार उनके जो किराए पर रहते थे उनके बच्चे भी उनके पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, और बच्चे जो किराएदार के बच्चे थे खुशी और अनु, उनके हाथ साफ नहीं थे, यानी कि उनके हाथ गंदे थे, पांव भी गंदे थे, और उनके पांव पर भी गंदगी लगी हुई थी। उनको देखते ही दादाजी की बहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई, और उन्होंने दादाजी ने बच्चों को गौर से देखा। वे कहने लगे, और दादाजी ने कहा, बुरी बात है गंदगी की बच्चों, गंदगी से रहना या गंदे हाथ पे रखना ये गलत बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है सफाई, और सफाई से रहना अच्छी बात है। गंदगी बीमारी लाती है। उसके बाद में बच्चों, दादाजी ने कहा उनके हाथ पैरों को गंदे, जब उन किराएदार के बच्चों के हाथ पैर थे जो गंदे थे, उनको देखते हुए दादाजी ने कहा कि बच्चों गंदगी करना या गंदगी में अपने हाथ पैरों में लगाए हुए रखना, या उन्हें समय समय पर नहीं धोना, या उन्हें सफाई साफ नहीं करना, या गंदे रहना ये गलत बात है, और सफाई से रहना अच्छी बात है। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। और जो गंदगी है जो हमारे आसपास होती है, ये हम अपने आप को स्वच्छ नहीं रखते, वो जो गंदगी है वो हमारे घर में बीमारी को लेकर आती है। और अगर हम साफ सफाई से रहते हैं, साफ या स्वच्छ पानी पीते हैं, साफ जगहों पर बैठते हैं, तो वो जो साफ सफाई होती है वो हमारे घर को बीमारियों से बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा, और उन बच्चों ने जो बच्चे थे हनी और तोशी, उन्होंने किसकी तरफ देखा, अनु और खुशी की ओर, जो किराएदार के बच्चे उनकी तरफ देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे, और जब तक वो जो किराएदार के बच्चे थे वो गए और हाथ पैर धोकर आकर बैठ गए। दादाजी ने उन्हें शाबाशी दी, और जैसे ही बच्चों, दादाजी ने उन्हें बताया कि गंदगी रखना गलत बात है, उससे हमारे घर में बीमारियां आती है, तो वो बच्चे गए और अपने हाथ पैर धोकर आकर बैठ गए। और जैसे ही वो किराएदार के बच्चे हाथ पैर धोकर आकर बैठे, दादाजी ने उन्हें शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई। और उनको बोले वो उन बच्चों को कि बच्चों साफ सफाई रखनी चाहिए, और आप साफ सफाई से रहा करो, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को साफ सुथरा रखना जरूरी है। दादाजी उन्हें बताते हैं, जैसे ही वो बच्चे उनके पास आकर
बैठते हैं कि बच्चों साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है, कि हमें अगर स्वच्छ मतलब स्वस्थ रहना है, हमें बिल्कुल तंदुरुस्त रहना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम करेगा, हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और शारीरिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। लेकिन ये कब होगा? जब हम हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, हम खुद भी साफ सफाई से रखें और हमारे आसपास गंदगी ना फैलने दें, तभी हमारा वातावरण स्वस्थ रहेगा। तंदुरुस्त हो तब हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होता है, हमारा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ नहीं होता है, तो हमारा सब कुछ मतलब हमारी मानसिक स्थिति भी हमें अच्छी लगती है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारे शरीर में एक बीमार दिमाग निवास करेगा, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है वो चलना बंद कर देगा, हम हमेशा परेशान रहेंगे या चिड़चिड़े रहेंगे, हंसने हंसाने का मन करता है। और अगर हम स्वस्थ रहते हैं तभी हमारा हंसने का हंसाने का मन करता है, हम लोगों की बातें सुनते हैं, उन्हें अपनी बातें बताते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अच्छे अच्छे खेल कूद में ध्यान लगाते हैं, तो उससे हमारा मन प्रसन्न रहता है। लेकिन हमारे खेलने कूदने की इच्छा कब होगी? जब हम फुटबॉल, बैडमिंटन या कुश्ती कबड्डी जैसे खेल खेलेंगे तब रहेगा हमारा शरीर स्वस्थ। अगर हम मोबाइल में गेम खेलेंगे तो हम एक जगह बैठे रहेंगे, हम सारी प्रतिक्रियाएं बंद कर देंगे, जिससे हमारे शरीर को एक व्यायाम नहीं मिल पाएगा, आज हमारा शरीर रहना तंदुरुस्त और स्वस्थ नहीं रहेगा। रात को नींद अच्छी आती है, और बच्चों अगर हमारा शरीर स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होता है तो हमें रात को अच्छी सी नींद आती है, और नींद आती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम समय पे उठ भी पाते हैं। तो बच्चों जो बच्चे सोकर जिनका शरीर स्वस्थ नहीं होता है वो समय पे नहीं सो पाते, सारा दिन परेशान रहते हैं, और उनका दिमाग की स्थिति होती है वो भी अच्छी नहीं रहती है, उनका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता और किसी कार्य में भी उनका ध्यान नहीं लगता, वो ना अच्छे तरीके से खेल कूद पाते हैं, ना किसी प्रतिक्रिया या बहुत सारे स्कूल वगैरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी वो हिस्सा नहीं ले पाते, क्योंकि उनका ना शरीर स्वस्थ होता है ना ही मानसिक स्थिति स्वस्थ होती है, और ना ही उन्हें अच्छी नींद आती है, ना ही वो समय पे उठ पाते हैं, जाग पाते हैं, और ना ही समय पे सो पाते हैं। और सुबह तरोताजा उठते हैं और सुबह में आराम से उठते हैं एक फ्रेश दिमाग के साथ, हर काम फटाफट करते हैं। और जिन बच्चों का शरीर स्वस्थ रहता है वो अपना हर काम है ना फटाफट कर लेते हैं, यानी अपना हर काम जल्दी कर लेते हैं, उनके अंदर किसी काम को करने के लिए आलस और या मतलब आलस नहीं आता है, और वो किसी काम को करने में लापरवाही नहीं करते हैं। आलस से हमारे आसपास तक नहीं फटकता। और बच्चों अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा अपना हम अपना भक्ति जो मानसिक स्थिति है वो भी अच्छी बनी रहेगी, तो हम अपना सारा काम समय पर करेंगे, जैसे सोना, जगना, स्कूल के लिए रेडी होना, तो हमारे जो शरीर में जो आलस है वो भी नहीं आएगा, हम किसी काम को करने में लापरवाही भी नहीं करेंगे और हमारा जो काम है वो समय पर हो जाएगा। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसका अर्थ है बच्चों कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं होगी, और हमारी अगर हमारी तबीयत ठीक ना हो तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होगी, ना हम समय पे सो पाएंगे, उठ पाएंगे, ना हम स्कूल का काम कर पाएंगे, ना हमारा किसी काम में या खेल कूद में मन लगेगा, और हम आलसी और लापरवाह बनते जाएंगे, ना भूख लगती है ना नींद आती है। और जिनका शरीर स्वस्थ नहीं होता बच्चों, ना उनको भूख लगती है ना उन्हें अच्छी प्रकार से नींद आती है, हम लोग और जो मतलब स्वस्थ नहीं होते वो धीरे धीरे चिड़चिड़े हो जाते हैं, यानी कि उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उदासी घेर लेती है, और वो धीरे धीरे उन्हें उनके मन में उदासी आने लगती है, वो उनका किसी काम में ध्यान नहीं लगता और किसी काम में वो मन नहीं लगाते हैं, किसी काम में उनका मन नहीं लग पाता, और उबासी आने लगती है, और बच्चों किसी काम करने में उबासी आने लगती है बच्चों को। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। दादाजी ने कहा कि हमारा सबसे पहला जो काम है वो यह है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, ताकि हमारा जो शरीर है वो बीमारियों से दूर रहे और हमारी मानसिक स्थिति वो भी अच्छी बनी रहे। तुम्हें मालूम है ना, दादाजी कहते हैं बच्चों को, तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। बच्चों दादाजी बच्चों को बताते हैं कि दौड़ भाग करने से, यानी कि हम अगर दौड़ते भागते हैं, जो दौड़ने खेलने वाले दौड़ने भागने वाले खेल अगर खेलते हैं तो हमारे शरीर से पसीना
दादाजी उन्हें बताते हैं कि अगर हम ना खेल कूद जैसे कबड्डी फुटबॉल ऐसे खेल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, पसीने के रूप में हमारे जो शरीर से जो गंदगी होती है वो मैल के रूप में बाहर निकल जाती है। पसीने में धूप के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, और जब हम खेलते हैं तो पसीने के रूप में हमारे जो शरीर होता है, हमारे जो हाथ पैर होते हैं, उनमें धूल के कण मिल जाते हैं। इससे त्वचा बच्चों को दादाजी बताते हैं कि जब हम खेलते कूदते हैं, क्रिकेट वगैरह ऐसे खेल खेलते हैं, तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, यानी कि हम जब खेलते कूदते हैं तो हमारे शरीर में पसीने के ऊपर धूल के कण मिल जाते हैं, उसमें वो मैल की परत बन जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं, और हमारे जो त्वचा उसके छिद्र जो ऊपर बारीक बारीक जो निशान होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि पसीना बाहर नहीं निकल पाता। उफ दादाजी, छी छी, बच्चे है ना, बच्चे दादाजी को बोलते हैं छी छी पसीना तो बदबू मारता है। दादाजी को हनी नाम का बच्चा बोलता है कि दादाजी पसीना तो बदबू मारता है, ये तो बहुत गंदा होता है। हाँ बेटे, इसीलिए हम रोजाना नहाएं। और दादाजी कहते हैं कि हाँ बेटे, ये गंदा होता है, इसीलिए हमें रोज नहाना चाहिए, हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए, और हमारे शरीर पर हमें मैल नहीं जमने देना चाहिए, यानी कि जो मिट्टी की जो कण वहाँ पर जमा हो जाते हैं पसीने में, उन्हें रोज साफ करना चाहिए, रोज सफाई से अच्छे से नहाना चाहिए, मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर, इसलिए हमें रोज नहाना चाहिए, और अगर हमारे शरीर पर मैल जमा हो जाए तो मोटे कपड़े से उसे रगड़ रगड़ कर साफ कर देना चाहिए। हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले हमें दांत साफ करने चाहिए, यानी कि बच्चों जब हमें सुबह उठने से पहले दांत साफ करने चाहिए, और सोने से पहले भी हमें ब्रश करना या दांत साफ करने चाहिए। बच्चों, दादाजी ने बच्चों को समझाया कि हमें सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले भी ब्रश करके सोना चाहिए, और हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए, यानी कि हमारे नाखूनों में भी गंदगी हमें जमा नहीं होने देनी चाहिए, उन्हें साफ करना चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोए। जी दादाजी, यानी बच्चे सभी एक साथ बोलते हैं। दादाजी आगे बोले कि अब आगे अच्छी अच्छी आदतें और बताइए दादाजी। शरीर के साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। दादाजी बच्चों को बोलते हैं कि हमें मतलब अगर हम नहाने के बाद में हमें कपड़े भी स्वच्छ और साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, यानी कि जो गंदे कपड़े हैं उन्हें हमें पहले धोना चाहिए, उसके बाद में पहनना चाहिए, क्योंकि गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और जहाँ तक कि संभव हो हमें कभी भी गंदे कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। दादाजी बच्चों को कहते हैं हमें घर की साफ सुथरा रखना चाहिए, यानी कि हमें घर की साफ सफाई भी करनी चाहिए समय समय पर। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, यानी कि सुषमा जो उनकी बहू थी और बच्चों की माँ, उन्होंने आकर कहा, दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। और बहू को मतलब दादाजी बोलते हैं कि बहू, इस पर तो तुमने बहुत अच्छे से अमल करके रखा है, यानी कि ये तो तुम बहुत अच्छे से कर लेती हो। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। और सुषमा को दादाजी कहते हैं कि तुम सुबह उठते ही झाड़ू लगाती हो और तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो, यानी कि तुम बहुत अच्छे से सफाई करती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं से फैलने का डर रहता है, यानी कि बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे आसपास जो गंदगी होती है, या हमारे हम जो खेल कूद कराते हैं बिना हाथ पैर धोए घर में बैठ जाते हैं, उससे हमारे आसपास कीटाणु के फैलने का डर रहता है, यानी कि बीमारियां, अगर कीटाणु फैलेंगे तो बीमारियां हो जाएगी, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, और कई बार होता है कि लोग सफाई नहीं करते बाहर की नालियों की, घर की सफाई तो कर लेते हैं, बाहर की नाली वगैरह भी नहीं करते, जिससे कि उन्हें कीचड़ जमा हो जाता है, गंदगी हो जाती है, उन्हें बहुत सारे कीटाणु जानवर गंदे गंदे जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो जमा होने लगते हैं, और जो गंदगी होती है उसमें भी कीटाणु पल सकते हैं, यानी वहां पर जन्म कीटाणु ले सकते हैं, जिससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है, वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा कि खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है, और दादाजी ने कहा बच्चों को कि खुली धूप लेनी चाहिए, और ताजी शुद्ध हवा, यानी ताजी शुद्ध हवा जो बाहर की पेड़ पौधों की हवा होती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होती है, यानी हमारे शरीर को यह स्वस्थ रखती है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, और जो धूप होती है हम उसे विटामिन डी मिलता है, जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, यानी जो हम पानी पीते हैं बच्चों वह शुद्ध होना चाहिए, पानी को छान कर पीना चाहिए ताकि उसमें जो छोटे मोटे कीटाणु है वो ना आए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना सफाई होती हो, और पानी हमें ऐसे कुएं से पीना चाहिए जिसकी रोज सफाई होती हो, यानी कि उसमें गंदगी जमा ना हुई हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार
पढ़ जाते हैं। तभी एक बहुत बच्ची बोलती है कि हमने हमारे टीचर ने गुरुजी ने भी हमें बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है। यानी कि उन्होंने बताया, उसके टीचर ने भी उसे बताया था कि साफ पानी पीना चाहिए, और दादाजी ने बताया कि हाँ पानी गंदा पीने से हमारे जो शरीर में बहुत सारे कीटाणु चले जाते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, यानी कि हमें साफ सुथरा अच्छा पानी पीना चाहिए। बातें हो गई तो हो तो खाना लगा दू। तभी वो बोलती है, सुषमा बोलती है कि अगर सब लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो खाना लगा देती हूँ। सुषमा की आवाज आई, अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। यानी कि बच्चों उनके दादाजी बोलते हैं कि हमारा जो भोजन है वो शुद्ध ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिनभिनाती हो, यानी कि बच्चों बाजार में जो गंदी गंदी चीजें होती है जिन पर मक्खियां भिनभिनाती रहती है, हमें वो चीजें नहीं खानी चाहिए, कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। और बच्चों हम बाजार से जो फल और सब्जियां लाते हैं उन्हें हमें पहले धोकर फिर उपयोग में लेना चाहिए, ताकि उन पर जो गंदगी हो वो साफ हो जाए। खुली चीजें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। और बच्चों हमें पहले से बहुत देर पहले से काटे विद्यालय में मिलने वाली डी वॉर्मिंग यानी जो पेट के कीड़ों को खत्म करने वाली की जो गोलियां होती हैं, से भी पेट की बीमारियां दूर होती है। यानी उनसे भी पेट की जो बीमारियां होती है वो दूर हो जाती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है। दादाजी कहते गए, खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हो जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। ना चिढ़े, ना गुस्सा करे और ना ही चिंता करे। धीरज और प्रसन्नता दिखाए, कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो बच्चों आज हमने पढ़ा स्वास्थ्य शरीर। बच्चों इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए, सोने से पहले ब्रश करना चाहिए और उठने के बाद ब्रश करना चाहिए, और हमें किसी बाजार से मतलब जो चीजें हम खरीद कर लाते हैं फल या सब्जियां उन्हें हमें धोकर उपयोग में लेना चाहिए, और बाजार से जो तली भुनी चीजें होती है जिनपे मक्खियां भिनभिनाती रहती है हमें उन्हें नहीं खाना चाहिए, और पौष्टिक और ताजा भोजन करना चाहिए। तो बच्चों अब हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। शाबाश, एक प्रशंसा सूचक शब्द। स्वच्छ, साफ, पवित्र। तंदुरुस्त, स्वस्थ। तरोताजा, ताजगी भरा। कीटाणु, रोगाणु, विटामिन, पौष्टिक तत्व। तो बच्चों आज हमने ये पाठ पढ़ा और इसके शब्दार्थ किए। बच्चों अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।